हाँ भाई, तो बोला था ना कि बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा फन होगा हिसार महोत्सव में, तो मेरा वादा किया हुआ पूरा हुआ। और एक और वादा किया था कि यहाँ पर जितने भी शॉपिंग का सामान है वो 10 रुपये से शुरू हो जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, 10 रुपये से सेल स्टार्ट होने वाली है। चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर सेल के अंदर क्या क्या आइटमें आई हुई हैं हिसार महोत्सव में, और आप भी जल्दी से आ सकते हैं और जल्दी से बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो भाई, जितनी भी चीज़ें आप कैमरे में देख पा रहे हो ना, सभी 10 रुपये से स्टार्ट है और 10 रुपये पे ख़त्म है। भाई साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, राम राम। राम राम जी। क्या रेट है? 10 रुपये के सेल है। यहाँ से वहाँ तक कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे क्लेचर है, ये सब हेयरबैंड है आपका, ये सब सारा सामान है, सब कुछ 10 रुपये। 10 रुपये के सेल है जी। पक्का? पक्का 10 रुपये का सेल। आइए, भारी ऑफर मिल रही है, 50% छूट। ठीक है। और आगे जो 20 रुपये वाली आइटम है वो कहाँ से शुरू है? चलो आइए आपको इससे ऊपर वाली रेंज भी दिखाते हैं। फिलहाल जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये जो सेल है ये यहाँ तक जो है, अभी भी ये आप सेल देख पा रहे हैं 10 रुपये पर आइटम है यहाँ तक, और इससे आगे जो सेल शुरू होने वाली है ये आपको 20 रुपये में मिलेगी। हर आइटम 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपको 80% 70% 60% तक का ऑफ मिलने वाला है। और चलिए आपको दूसरी स्टोर पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि और क्या क्या यहाँ पर आपके लिए सेल में उपलब्ध है, और आप भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इस ऑफ़र को ग्रैब कर सकते हैं। अगली जो शॉपिंग स्टॉल है ना, वो कहीं ना कहीं महिलाओं की किचन में बहुत हेल्प करने वाली है, और भैया हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, राम राम। नमस्कार जी। इस बार क्या लेके आए हो? सर, मैं अब की बार एक नया ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह होता ना, या कोई भी छिलका वगैरह हो या सेब काटने की, मेरे पास नए नए प्रोडक्ट है अब की बार जी। आप हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं? हर बार मैं नया लेके आता हूँ। वो नया देखिए, मैं सर आपको एक ऐसी डब्बी सी दिखाता हूँ। ये एक ऐसी डब्बी सी है, जैसे इसके अंदर आप कोई भी फ्रूट वगैरह होता है या कोई भी चीज़ आपको छीलना पड़ता है तो इसमें आप पिलिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए सर, आप पिलर ही लेके आए हो, इसमें क्या नया? नहीं सर, ये इसका क्या होता है, जैसे घर में आजकल पिलर होता है उसका छिलका ना बाहर पड़ जाता है, जैसे बच्चे फिसल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसका जो छिलका है वो बाहर नहीं खिंडेगा, इसी के अंदर रह जाएगा। मैं नहीं मानता। मैं ये सर मानते नहीं हूँ सर। मैं आपको एक बार इसका डेमो दिखा दूँ। दिखाओ। मैं आपको इसका पूरा छिलका दिखाएंगे, उसका मैजिक दिखाता हूँ, जादू बनाता है इसको। मैंने इसको हाथ को बंद किया, देख लो जी आप, कुछ भी नहीं है ना मेरे पास छिलका, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। ये हाथ मेरे सर बिल्कुल सा नहीं है, ठीक है। मैंने इसको कैप को बंद कर दिया, ठीक है। अब इस मूली को मैं सर आपको पूरी पिलिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका छिलका देखो सर कहाँ जा रहा है जी, आप पता लग रहा है कहीं जा रहे हैं? आपको कहीं नहीं पता लगेगा, और मिल्क छिलके ही बिल्कुल सर, ठीक है ना। और इसका मैजिक सर ये देखिए, आपका छिलका जो मेरे हाथ के अंदर है सर, ये लगा आपको। वाह भाई वाह, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गंद फैलेगा नहीं, और इसको इकट्ठा कर लेते हैं। और एक सर है मेरे पास ऐसा ड्राई फ्रूट है, जैसे आपने घर में आजकल काजू बादाम होते हैं ना, पहले एक घिसने वाला आता था, लेकिन ये ऐसा ड्राई फ्रूट आ गया, जैसे आपने ड्राई फ्रूट है ना सर, इसके अंदर पूरा भर देना है, ठीक है सर। भरने के बाद सर आपने इसको कैप को लगा देना है, ठीक है। कैप को लगाएंगे सर, ये ड्राई फ्रूट सर देखे कितना फाइन कटिंग है सर, बिल्कुल फाइन कटिंग कर देता है। देखो आप, ये प्रेस वाला, ये ऐसा नया प्रोडक्ट आया सर, ठीक है सर। ये ऐसा हो जाता है, मतलब हाँ, किसी की ब्योंत कम हो और गाजर पाक में डालना हो तो इसने कचर कचर के, उसके अंदर जैसे अपने कढ़ाई में हलवा बना रहे हैं तो आपको बाहर पहले काटो, तो कढ़ाई के अंदर जैसे खीर चावल बना रहे हो तो उसके ऊपर आप ऐसे ऐसे घिसते रहेंगे, आप साथ में खीर चावल बनता रहेगा, साथ में प्रेस होता रहेगा। और सर, ये क्या डब्बा सा पड़ा है? और सर ये एक डब्बा ऐसा दूसरा है, जो पहले मैं हर बार हर साल, मेरे कम से कम 10 साल हो गए, एक ऐसा जूसर रखता हूँ हर बार मैं, जिसके अंदर बीज सर आपको अंदर डालना पड़ता है, लेकिन सर जूसर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ऐसा जूसर आया है सर। अब इसके अंदर सर आपने कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक बार सर इसका डेमो दिखा देता हूँ। सिर्फ आपने संतरे मौसमी को सिर्फ आपने ऐसे 1/2 पीस कर देना सर, कटा हुआ सर, वो भी दिखा देता हूँ। ये सर ये देखिए, आप साबुत दिखाएंगे इसको सर, गिलास ले इसके अंदर, ऐसे गिलास ले, गिलास इसमें इसका ऐसे प्रेस करना है सर आपका, ठीक है सर। ये ऐसे हो गया सर, ओके, ये आप हो गया। आप होने के बाद सर आपने कुछ नहीं करना है, मौसमी संतरे को आपने सिर्फ इसके अंदर ऐसे पलट देना है, यानी छिलके समेत, ओके सर। इसको प्रेस कर देना सर, इसको चलाएंगे सर, ये बीज कचरा सर इसके अंदर वेस्टेज होता है ना सर, बीज वाला वो सर इसके अंदर ही स्टोर हो जाएगा, पर खिंड नहीं रहा। हाँ, जूस भी सर स्टोर हो रहा है ना साथ में, आप इसमें इकट्ठा कर सकते हो, आप ऐसे सर डालते रहेंगे, इकट्ठा होता रहेगा, और जूस जितना आपको निकालना है उतना सर इसको बाहर निकाल देना आपने। वाह भाई वाह वाह। ये देखिए सर, आप जैसे आपने सर कचरा मौसमी बीज वगैरह सर, किसी भी चीज़ का बीज होगा वो सर, इसका साफ करना भी बिल्कुल आसान है, और बीज कचरा दिखाता हूँ सर, ये देखिए आपको, ऐसे बीज होगा कचरा बिल्कुल फाइन कर देता है ये। तो भाई आइटम तो और भी बहुत है, लेकिन उसके लिए आपको हिसार महोत्सव में आना पड़ेगा। अगर सारी चीज़ें हमने
सारी चीजें भैया यहीं दिखा देंगे तो मैं आपको नमकीन बनाने की दिखाता हूँ ना। अच्छा, स्पेशल नमकीन बनाने की आई है। जैसे आपने सर बेसन डाल देना या जैसे मौसमी डाला, 2-in-1 होता है, इसको प्रेस करोगे ना सर, नमकीन वगैरह भी निकल जाएगी, जूस भी निकल जाएगा। और स्टील के आइटम है सर, जैसे एप्पल काटने का स्टील में हो गया, और सारे बहुत सारे प्रोडक्ट एक लोस्टिक। तो आइटम तो है बहुत सारी, लेकिन अगर आपको देखना है तो आपको हिसार महोत्सव में आना पड़ेगा। और ना सिर्फ देखोगे, अगर आप देखोगे ना कहीं आपका खरीदने का भी मन करेगा। और एक और यहाँ पर जो स्टॉल है, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने यहाँ पर रखे हुए हैं और बड़े कलरफुल से नज़र आ रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि बस मैं इसको खरीद लूँ, भाई है ना कि थोड़ा सा एज फैक्टर हो जाता है। लेकिन तस्वीरों में आप जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हैं सभी यूनिक हैं और बच्चों के काम आने के लिए यूनिक यूनिक स्टाइल के जो है शार्पनर हैं, सीजर हैं, बड़ी क्लासिक सी एक सीजर इस समय नज़र आ रही है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के पाउच जो ना अपने कॉइन्स इसके अंदर इकट्ठा करते हैं, और इसके अंदर क्लचर हो गए, कई तरह के जो डिज़ाइन है उसके पेन, और उसके बाद छोटे छोटे बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए जो यहाँ पर ये क्लचर रखे हुए हैं, की रिंग्स आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए जय श्री राम, जय श्री राम, और आजकल ये तो ट्रेंडिंग में भी चल रहा है भाई, जय श्री राम। तो आप लोग जल्दी से आइए हिसार महोत्सव में और बहुत सारी शॉपिंग और बहुत सारा फन करके जाइए। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ पर सेल के अंदर जो आपको 80% 90% 70% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। और एक और बात भी कही थी कि इस मेले के अंदर देश के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे अपनी अपनी चीज़ें लेकर, तो वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए उनके स्टॉल पर चलते हैं। तो भाई तस्वीरों में आप देख पा रहे हो कि हिसार महोत्सव में कहवा भी मिल रहा है, कश्मीरी कहवा। क्या ये सच है? इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कहवा तो कश्मीर में मिलता है? यहाँ भी मिलेगा। वो तो कश्मीर का है ना? है तो कश्मीर का, लेकिन हम यहाँ लेके आए। अच्छा, आप कश्मीर से आए हो? जी जी सर, हम तो कश्मीर से यहाँ कहवा लेके आए हैं। अच्छा, तो कश्मीर में तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं पूरे देश में जो है ना एक्सपोर्ट की जाती हैं, और जैसे कि मान लो अपने इंडिया के हर कोने में भेजी जाती हैं। तो अब क्या कुछ खास लेके आए हो आप? अभी हमारे पास तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। चलो जल्दी से एक बार दिखा दो और बता। ये देखिए, ये हमारी कश्मीरी राजमा है यहाँ पे। ये वाली? हाँ जी, हाँ जी, दोनों है, वो ब्लैक वाली भी है। अरे अरे अरे, ये तो शायद यहाँ पे नहीं मिला होगा। तो ये हम काला राजमा अगर किसी ने आज से पहले खाया तो वो कमेंट करके जरूर बताना भाई। और ये जो ब्लैक बेरी भी है हमारे पास, ये ब्लू बेरी भी है। अच्छा, ये हो गया पीच, आड़ू जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये मिक्स मसाला है। ये हो गया क्रैनबेरी, ये अखरोट गिरी है। ये हो गया ये कीवी, कीवी कीवी है। ये रोजबेरी है, रोजबेरी भी लेके आए हो आप? जी सर। और ये है हमारी जो ये है अंजीर, अंजीर तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, ब्लड भी बढ़ाती है। जी 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 जी, ये अगर कभी कार किसी को मैदे में कोई प्रॉब्लम हो, गैस बनता है, तो उसके लिए भी बढ़िया है, जोड़ों के वास्ते भी बढ़िया है। मैडम देखो, ये सारी चीज़ें ना कहीं मिल जाती हैं, यहाँ पे भी मिल जाते हैं, लेकिन ना कश्मीर का ना जो असली केसर है वो कहीं नहीं मिलता। क्या आप लेके आए हो? जी सर, अभी देखिए ये हो गया कश्मीर का केसर। अभी यहाँ पे तो मिलता है, पता नहीं वो मिक्स कुछ होता है। ये जो हमारे पास है बिल्कुल प्योर है। अगर किसी को केसर लेना तो प्योर ही लेना चाहिए, क्योंकि प्योर में ही दम होता है। अच्छा, असली और नकली की कोई पहचान भी होती है? हाँ, क्यों नहीं सर। ये जो होता है ना, जो असली वाला होता है ना, जो आगे उसका पत्ता होता है वो खुला सा होता है। अच्छा। पीछे बिल्कुल पतला होता है। जो डुप्लीकेट होता है ना, वो आगे पीछे सेम होता है, क्योंकि वो घास के ऊपर कलर लगाया हुआ होता है। ठीक है। और ये क्या, ये इसके अंदर कुछ पैकिंग्स पड़ी हैं, ये क्या कुछ है? मैं उस साइड आ जाता हूँ, आप मुझे बताइए ये क्या कुछ लेके आए हो? ये कश्मीरी कहवा। अगर अच्छा। एक तो हम यहाँ पे बनाते हैं पीने के लिए, और दूसरा ये है कि घर में भी बना सकते हो आप। ओके। और उसमें रखा हमने शुगर वाला भी है, शुगर फ्री वाला है। ये देखिए, ये केसर और चंदन की इत्र है जो खुशबू के लिए लगाते हैं। इसमें तो दो चार वैरायटी है, ये भी एक वैरायटी है। और ये आप कहीं से खरीद के लाते हो या आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग रहती है? नहीं, वहाँ पे तो सारे यही काम करते हैं। हमारे घर में भी थोड़ा बादाम वादाम थोड़ा सामान होता है, लेकिन और भी वहाँ से लेके आ जाते हैं। ये देखिए, ये बादाम रोगन है, या आप दूध में भी डाल सकते हैं, ऐसे लगाने के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो नेचुरल चीज़ नहीं होगा, ये बिल्कुल प्योर चीज़ जी है। बिल्कुल, ये जो है ना बच्चों की मेमोरी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं,
जिनकी नसें कमज़ोर होती हैं दिमाग की, अगर अपने बच्चों के दूध में अगर ये दो बूंद डेली उसे पिलाने लग जाए तो बच्चे की मेमोरी इतनी बढ़ जाएगी, बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाई में जो फेल हो रहा था लगातार वो फर्स्ट आने लगेगा। और इसके अलावा बहुत सी नेचुरल चीज़ें जो हैं कश्मीर की वादियों से ये लोग आप ये शहद है कहीं ना कहीं, ये जो कश्मीर की वादियों से बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे तोहफे ये लोग आपके लिए हिसार महोत्सव में लेकर आए हैं, तो आप भी आइए और इन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए और कहीं ना कहीं कंपेयर कीजिए कि अभी तक जो आप चीज़ें खा रहे थे क्या वो शुद्ध थी या नहीं थी। लेकिन आपको कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ की एक अच्छी कीमत भी चुकानी पड़ती है, पड़ सकती है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल प्योरिटी के साथ मिलेगी, वाजिब दाम के साथ मिलेगी। और मैंने जो वादा किया था कि हिसार महोत्सव के अंदर बहुत सारी सेल का सामान आपको ख़रीदने को मिलेगा, देश भर के लोग यहाँ पर आएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे, बस अभी मैं इतना ही दिखाऊंगा, चीज़ें और भी बहुत है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे खुद एक्सप्लोर करेंगे तो ज़रूर कहेंगे कि अमित ने बिल्कुल सही बात कही थी। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये जो कहवा अक्सर जो लोग कश्मीर में घूमने जाते थे वहाँ पर ये ज़रूर ट्राई करते थे, बट यहाँ पे वापस आने के बाद वो मिस करते थे कि हम वो दोबारा कहवा कैसे पिएं, तो उसके लिए भी इन्होंने आपके लिए ये शुगर विद शुगर और विदाउट शुगर यानी शुगर फ्री सब अवेलेबल है। बस आपको यहाँ पे आना है और बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारी मस्ती करनी है, बहुत सारा धमाल करना है, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।